subscribe exam tutor lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to exam tutor lectures. This video is of chapter 5 NCERT class 9, the fundamental unit of life. We will cover the topic nucleus. This is part 3 of this chapter. In our last video we saw about cell wall and cell membrane. Hame part 1 mein टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील के बारे में देखा था एंड जब हमने टेम्पररी माउंट बनाया था जब उस माउंट को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वहां पे कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे. जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन उसमें ऐड किया था, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग सेल जिसका पर्पस होता है, ऐसे तो अनियन सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, टू इजिली सी दीज सेल अंडर द माइक्रोस्कोप वी नीड सम काइंड ऑफ अ स्टेन. जैसे कि यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया गया. केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से डिफरेंट रीजन सेल के दे गेट कलर्ड डिफरेंटली. आयोडीन क्या करता है, जो अनियन के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसके साथ बाइंड करके वो स्टेनिंग करता है. कुछ रीजन जो है वो डार्क अपेयर हो गए, जैसे कि यहाँ पे सेल वॉल सेल मैम्ब्रेन डार्क हो गई एंड आप देखोगे सेंट्रल रीजन जो है वो कम स्टेन्ड है एंड देन बीच में एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेन है. सो सम रीजन्स दे अपीयर डार्कर देन दी अदर रीजन. आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा वी कैन आल्सो यूज सेफ्रोनिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स. अब हम देखते हैं कि ये जो सेंटर में ब्लू रीजन है, जो सेंटर में डार्क रीजन है, ये क्या है. जो डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल है, दैट इज न्यूक्लियस. इट इज डार्कली कलर, इट इज स्फेरिकल और ओवल एंड डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल. आज के वीडियो में हमें इस न्यूक्लियस को ही अच्छे से स्टडी करना है. ये डबल लेयर्ड होता है, ठीक है. एक तो सेल वॉल है जो कि सेल के अराउंड होता है. इस न्यूक्लियस के अराउंड भी डबल लेयरिंग होती है, एक कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मैम्ब्रेन कहते हैं. पोर्स होते हैं which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside. अब outside क्या है? This region जो outside the nucleus है, this is cytoplasm, which we will discuss in our next video. What exactly is cytoplasm? तो cytoplasm to nucleus कुछ material transfer होते हैं inside and outside of the nucleus. Here it's important to know that इस nucleus के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर एसिड एंड प्रोटीन. सो दीज आर थ्रेड लाइक रॉड शेप्स. एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ओनली क्रोमोसोम्स जो है क्रोमोसोम की फॉर्म में आते हैं ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. क्रोमोसोम्स के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन होता है इनहेरिटेंस का, पूरा इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म का. लिविंग सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स होते हैं. इसमें पूरे फीचर्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए विच इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. हम डिटेल में इन सबको स्टडी करेंगे इन आवर फर्दर वीडियोस. सो क्रोमोसोम दे कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स. पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है इसके अंदर एंड ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इनसाइड दिस न्यूक्लियस. लेट सी हाउ न्यूक्लियस का रोल इन द सेल्यूलर रिप्रोडक्शन. डिविजन से जस्ट पहले क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से बनते हैं. दिस इज क्रोमोसोम. उससे पहले ये क्रोमेटिन फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर. सो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दैट दिस इज सेल, एक कंडेंस्ड मटीरियल क्रोमेटिन फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल नूडल्स जैसे होते हैं वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. इनसाइड देयर इज अ न्यूक्लियोलस. दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. उधर एक डबली लेयर्ड आप मैम्ब्रेन देख सकते हैं जैसे आपको बताया था और इसके अंदर ये कुछ पोर्स हैं जिससे मटेरियल इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसफर होता है. क्रोमोसोम्स किसका बना है, दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड जैसे कि हमने बताया. डीएनए मॉलिक्यूल उसमें पूरा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है विच इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स. सो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दे आर कॉल्ड जीन्स. इंफॉर्मेशन सेंटर आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो. अभी हमने बोला था कि जब सेल डिवाइड होने लगता है
डिवाइड जब हम सेल डिवीजन मतलब सेलुलर जो रिप्रोडक्शन होने से जस्ट पहले दिस क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ दिस लाइक दिस क्रोमोसोम. सो इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. बोल ऑफ नूडल्स की तरह जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एंड व्हेनेवर सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये ऑर्गेनाइज हो जाता है इनटू दिस क्रोमोसोम. सो डिवीजन जो होती है, सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एक सिंगल सेल डिवाइड करता है एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स. ठीक है, जिस वजह से आपके जैसे कुछ सेल को डैमेज होता है तो सेल्स नए नए बनते हैं. एवरी टाइम बहुत सेल्स मरते हैं और बहुत सेल बनते हैं. सो दिस इज सेलुलर रिप्रोडक्शन. डिटेल में फर्दर हम लेंगे. तो एट दिस पॉइंट हमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, वो क्या बना है. सो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमैटिन है. एंड जस्ट सेल की डिवीजन से पहले वो ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बन जाता है. एंड दीज आर द इंफॉर्मेशन सेंटर, कैन से दे हैव डीएनए इन देम. और उसमें क्या होते हैं, डीएनए में देर आर जीन्स इन. सो न्यूक्लियस ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल पार्ट अपार्ट फ्रॉम द सेलुलर रिप्रोडक्शन जो हमने अभी देखा. न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग कि एक सेल जो है वो कैसे डेवलप होगा एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मेच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सो ओवरऑल आप कह सकते हो ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेल में. एक्टिविटीज को ये डायरेक्ट करता है कि किस तरह से सेल मेच्योर होके क्या एक्टिविटी करेगा. ये सारा इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया है, जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो पुअरली डिफाइंड होता है. जैसे कि ऐसे यूजली आपने एनिमल सेल्स में देखा है, एक डिफाइंड रीजन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर क्रोमैटिन जो है कंडेंस्ड फॉर्म में है. जैसे ही डिविजन होने लगता है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके क्रोमोसोम बना लेते हैं. क्रोमोसोम जैसे कि हमने देखा इस तरह का स्ट्रक्चर. तो है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया में ये रीजन इतना डिफाइन नहीं होता और एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन की तरह ये सेल में प्रेजेंट होता है जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, इन्फॉर्मेशन होता है बस, डबल मैमरेन ऑल और डिफाइंड रीजन नहीं होता. तो ऐसे में उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड. ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियर रीजन इतना डिफाइंड नहीं है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वो सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं प्रोक्रियोट्स. प्रोक्रियोट्स मींस प्रिमिटिव और प्राइमरी, क्रियोट्स मींस न्यूक्लियस. मतलब प्रोक्रियोट्स उनका न्यूक्लियस काफी प्रिमिटिव है, अभी वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं है. दिस इज द एग्जाम्पल. एक सेल वॉल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है. एंड उसी के ऑपोजिट होते हैं यूक्रियोट्स. यूक्रियोट्स में ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है एज इन दिस की. एग्जैक्ट डिफरेंस देखते हैं हम दोनों टाइप ऑफ सेल्स में, प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स. प्रोक्रियोट्स में सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, whereas eukaryotes में cells में nuclear membrane present होता है. This is the major difference. Prokaryotes में there is a lack of other cytoplasmic organelles. जो organelles हम आगे study करेंगे, कुछ organelles prokaryotes में present नहीं होते. It depends on कि prokaryotes के cell को उनकी requirement ही नहीं होगी, whereas eukaryotes में cytoplasmic organelles present होते हैं. Chlorophyll in a photosynthetic प्रोक्रियोट्स बैक्टीरिया में वो एसोसिएटेड होता है विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं, बैग लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें. वेयर एज जो फोटोसिंथेटिक यूक्रियोट्स होते हैं उनके क्लोरोफिल में प्लास्टिड्स होता है. सो यहाँ पे यूक्रियोट्स में क्लोरोफिल में प्लास्टिड्स होता है, वेयर एज इन प्रोक्रियोट देयर इज मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर. सो यू कैन सी हियर एक काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है प्रोक्रियोट्स का, वेयर एज there are so many organelles present in eukaryotes. So this is the basic difference.
जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है दैट इज ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में. सो दिस वॉज अबाउट द न्यूक्लियस. कुछ बातें यहाँ नोट कर सकते हैं दैट न्यूक्लियस जो है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ द सेल. जो है उसमें क्या आता है, न्यूक्लियस. एंड अराउंड 1/10 रीजन एक सेल का न्यूक्लियस लेता है. एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियस यूक्रियोटिक सेल स्पेशली उसके लिए. वहां पे एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है, डबल मैम्ब्रेन्ड न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है. और इसमें क्या होता है, पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है सेल का. डिविजन में ये हेल्प करता है. एंड किस तरह से आगे सेल मेच्योर होकर बिहेव करेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन एक न्यूक्लियस के अंडर प्रेजेंट होता है. So in this video we covered a very important organelle of cell, that is nucleus. In our next video we will cover topic cytoplasm. Just outside the nucleus there is cytoplasm and jisme bahut sare organelles present hote hain. Do subscribe this channel and don't forget to click on the bell icon. Please do like, share and comment on this video. It will encourage us a lot. That's all for this video. Thank you very much.